लात मार के अंदर गए, हम दोनों को हाथ पकड़ पकड़ के बाहर खींची, यहाँ की पुलिस ऑफिसर्स ने मार मार के यहाँ लेके आए, गला मसक के पकड़ने लगे, और करने वाला ही रमेश पॉल, जो किया है रमेश पॉल ने किया है। लात मारकर अंदर घुसे, गला पकड़ने लगे, पापा को घसीट कर ले गए, करने वाला रमेश पॉल, घर पर मातम, थाने में बेटा, हिंदू संगठनों का बवाल। ये दर्दनाक कहानी है एक परिवार की जिसके घर के मुखिया अब नहीं रहे, और खौफनाक बात तो ये है कि पुलिस के सामने सब कुछ होता रहा लेकिन पुलिस मौन रही। खबर जबलपुर के सदर इलाके से है। जानकारी के मुताबिक मामला धर्म परिवर्तन और मकान खाली करने का है, लेकिन इस सबके बीच एक व्यक्ति की जान चली गई और साथ में पूरे परिवार की खुशी भी। अब बस गुहार है न्याय। दरअसल YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की जमीन पर पिछले कई सालों से हिंदू परिवार मकान बनाकर रह रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब वे घर पर अकेले थे तभी ईसाई संगठन से जुड़े पदाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मकान खाली करने की जिद पर अड़े रहे, जबरदस्ती धक्का मुक्की की। इस दौरान परिवार के मुखिया मोहन लाल पासी भी मौके पर पहुंचे। मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद में पुलिस और ईसाई समाज के संगठन ने मोहन लाल पासी के साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और कुछ देर में उनकी जान चली गई। दोनों घर पे अकेले थे, अचानक से बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, आके हम लोग को, मैं अंदर गई, मेरी छुटकी दरवाजा बंद कर लो, पुलिस आई, लात मार के अंदर गए, हम दोनों को हाथ पकड़ पकड़ के बाहर खींची, यहाँ की पुलिस ऑफिसर्स ने, ये हम लोग ने फोन करे दोनों हस्बैंड को कि वो आ जाए, वो आए हैं तो उनको वहीं लट मारने लगे, खेत में मार मार के यहाँ लेके आए, गला मसक के पकड़ने लगे, वहां से पापा बोल रहे हाथ जोड़ रहे अभी रुक जाओ, हमको कुछ टाइम दे दो, हम बाद में देखेंगे जो होगा। उसको रमेश पकड़ पॉल ने हाथ पकड़ के खींचा है और खींच के धक्का दिया है, पापा को भी घसीट के लेकर, हम लोग को ऐसा पकड़ पकड़ के बाहर घसीटे हैं ये पुलिस वाले लोग ने, मैं बता नहीं सकती, ऐसे बल प्रयोग से खाली करे हमारा घर, आज जान चली गई हमारे घर में, सिर्फ हम दो के अलावा घर में कोई भी नहीं था और दो बच्चे थे छोटे छोटे हमारे, और करने वाला ही रमेश पॉल, जो किया है रमेश पॉल ने किया है, घसीट के मारे, घसीट घसीट के दोनों हस्बैंड को मारे, हम लोग को मारे हैं। क्या नाम है आपका और कहां रहते हैं? अर्चना है, YMCA कंपाउंड में, बताओ पैसा भी आता है ना मेरे ससुर की, पैसा भी तो लिखा गया जी। अब क्या चाहते हैं आप? रमेश पॉल को कार्रवाई उसके ऊपर। परिजनों ने जब हंगामा खड़ा करना शुरू किया तो इसकी जानकारी पाकर हिंदू धर्म सेना से जुड़े पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कैंट थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में हिंदू धर्म सेना ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और धर्मांतरण न करने को लेकर ही मोहन लाल पासी को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जब उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया तो उनके मकान को खाली करने की जबरदस्ती कोशिश की गई। जय जय श्री राम, रमेश पाल के ऊपर हत्या का मुकदमा, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, फांसी का फंदा लगाए इसके ऊपर, 302 का मुकदमा दायर हो इसके ऊपर। ये सरासर हत्या का मामला है, एक YMCA कंपाउंड जो है कि क्रिश्चियंस का है कंपाउंड पूरा, उसमें कई सालों से, पचासों साल से कई हिंदू परिवार यहाँ किराए से रहते हैं, और उस जो ईसाई व्यक्ति के द्वारा लगातार उन हिंदू परिवारों के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, और इसके पहले भी हम लोग 10 साल पहले भी कई हिंदू परिवारों ने हम लोग के साथ आके धर्म सेना के तत्वाधान में कैंट थाने में शिकायत सौंपी थी कि वो क्रिश्चियन व्यक्ति उनको दबाव डाल रहा था कि या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुमको मकान खाली करना पड़ेगा, और उसी के परिणाम स्वरूप एक परिवार को, उसने इतना हिंदू परिवार को इतना टॉर्चर कर रहा था वो कि या तो मकान खाली करो, उसके खिलाफ जो है आज उसने मकान को कोर्ट के ऑर्डर लिया या खाली कराने के लिए, जब वो नहीं माने धर्म परिवर्तन के लिए तो कोर्ट को ऑर्डर ला के, और कैंट की पुलिस गई और कोर्ट की पुलिस, और जब मकान खाली करा रहे थे छीना झपटी जो भी विवाद हुआ वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों और कैंट पुलिस के कुछ सिपाही गए थे जिनका रवैया ठीक नहीं था, उन्होंने उस परिवार के दो लड़कों के साथ मारा पीटी करके जबरदस्ती थाने में बंद कर दिया, और यहाँ पर और जिस सदमे से और छीना झपटी से उक्त हिंदू जो हिंदू परिवार था किराएदार, उसके एक परिवार की दुखद मृत्यु हुई है, उससे आक्रोशित यहाँ हम सभी हिंदू संगठनों ने, भाजपा के लोगों ने, पदाधिकारियों ने, विश्व हिंदू परिषद, धर्म सेना, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने आके यहाँ थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया है, और ये मांग करी है कि उस जो ईसाई व्यक्ति है उसके पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए,
और इसकी घटना की पूरी पूरी जांच होना चाहिए। और जो भी दोषी सिपाही है जिन्होंने उक्त परिवार के दो बच्चों के साथ मारापीटी करी है उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके उनको भी सस्पेंड करके उनके ऊपर भी मामला मारापीटी का दर्ज होना चाहिए। नहीं तो ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तमाम हिंदू संगठन और तमाम सामाजिक संगठन मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे अगर इसकी उचित न्याय इस परिवार को नहीं मिला तो। वही परिजन भी YMCA से जुड़े सदस्यों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मकान खाली करने आए लोगों ने महिलाओं के साथ भी झूम झपटी करते हुए मारपीट की है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने जांच में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी हकीकत सामने आएगी उसी आधार पर दोषियों पर कार्यवाही होगी। न्यायालय के आदेश रोड पर जो है अतिक्रमण हटाने के संबंध में चाहे बल को भेजा गया था और उसमें अन्य विभाग के अधिकारी करवाने के लिए उस दौरान जो मृत्यु हुई जिन व्यक्ति की वो मर कायम कर पुलिस उसमें आगे जांच कर रही। जो भी तथ्य आएंगे उसमें उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की। उनका आरोप ये कि पुलिस ने व्यवस्था मारपीट की है। देखिए इस विषय में पूरे वीडियोग्राफी और उपलब्ध कराए गए और आगे मर्ग जाँच में सारे तथ्यों को कार्रवाई की। अब ये धर्म परिवर्तन का मामला है या मकान खाली करने का मामला या दोनों, जो भी है एक व्यक्ति की जान चली गई और पूरे परिवार की खुशी भी। VK News, राष्ट्र के नाम।